दूं कि आपको प्रोफेशनल या फिर पर्सनल चाहे कोई सी भी मित्रणी बनानी हो, आपको अश्वसवाहिनी की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो अश्वसवाहिनी कैसे बनाई जाती है, इस पर मैं पहले ही कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। वीडियो करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अभी आप वो वीडियो देखकर अश्वसवाहिनी बना लीजिए। तो अश्वसवाहिनी बनाने के बाद अश्वसवाहिनी को लॉग इन करेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ई मित्र का, आप इसमें देखेंगे तो ई मित्र का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ज्यादातर डिटेल अश्वसवाहिनी से ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो कुछ भी दर्ज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कास्ट कैटेगरी वगैरह दर्ज करेंगे, एड्रेस यहाँ पर भरेंगे, चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, अपडेट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपकी ई मित्र आईडी बन जाएगी। बस इतना सा काम करना है आपको। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सामने ई मित्र का डैशबोर्ड आ चुका है, रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुके हैं जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपकी ई मित्र आईडी बन चुकी है, ये आपके रजिस्ट्रेशन नंबर है। यूटिलिटी सर्विस पे आप क्लिक करेंगे और ई मित्र की सर्विसों का आनंद लेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ कोई भी एक मोबाइल रिचार्ज की सर्विस सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी मोबाइल रिचार्ज की सर्विस यहाँ पर आपको मिल जाती है, जिसमें आप मोबाइल रिचार्ज, टीवी रिचार्ज वगैरह कर सकते हैं। एक बिजली बिल भरने की भी सुविधा यहाँ पर आपको मिल जाती है, तो आप सभी लोगों के बिजली के बिल भर सकते हैं, ये भी अच्छी सर्विस है ई मित्र पर। इस पर इसी के साथ यहाँ पर आप एप्लीकेशन सर्विस में जाकर कुछ सर्विस यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से आप जाति या मूल बना सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर और स्टेट का दोनों का बना सकते हैं, बोनाफाइड सर्टिफिकेट यानी मूल निवासी भी बना सकते हैं। इसके अलावा भी ढेरों सर्विस यहाँ पर आपको यूज करने की मिल जाती है, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र बना सकते हैं, विवाह प्रमाण पत्र बना सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी सर्विस हैं जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन सी सर्विस हैं, जैसे कि यहाँ पर अलग अलग विभाग दिए हुए हैं, पुलिस विभाग की कुछ सर्विस हैं जैसे आप चालान वगैरह भर सकते हैं। इसके अलावा एक कमाल की सर्विस है, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ, तो वो है यहाँ पर राशन कार्ड से संबंधित, चलिए वो विभाग हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर कौन सा गया, ये रहा, तो ये विभाग सिलेक्ट कर लिया। इसमें आप न्यू राशन कार्ड की सर्विस देखेंगे, आप नया राशन कार्ड यहाँ से बना सकते हैं, ये सर्विस भी आपको मिल जाती है इसी मित्र आईडी पर। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये होती है पर्सनल ई मित्र आईडी, जिसमें ये अलग अलग विभाग दिए हुए हैं और आप काम कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर आप देख सकते हैं राजस्थान के जितने भी LSP हैं उन सभी की आपको कॉन्टेक्ट डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पर जो आचार्य टेक्नोलॉजी है वो भी 3 नंबर पर है, सबसे लोकप्रिय LSP माना जाता है, ज्यादातर ई मित्र धारक के पास उन्हीं की आईडी है, तो उनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जिस LSP की आईडी पिछले 3-4 सालों से मैं चला रहा हूँ, जो आईडी मेरे पास है, वो LSP यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 नंबर पर है, तो इनसे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ आपको दिया हुआ मिल जाएगा और ये LSP जो सही LSP है वो आपको कम से कम रेट में ई मित्र आईडी प्रोवाइड करवा देंगे, यानी कि अगर पैसे लेंगे तो 1000-2000 रुपए लेंगे और बहुत सारे LSP में ऐसे है। जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना।